गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जा सकते हैं। अक्सर केमिकल इक्वेशन लिखते समय जो परेशानियां आते हैं वो है जैसे कि एरो के ऊपर में कुछ टेक्स्ट लिखना या एरो के नीचे में कुछ टेक्स्ट लिखना या सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का एक साथ लिखना, ये सारे परेशानियां आते रहते हैं जिसके कारण हम लोगों का जो तेजीपन होते हैं काम में वो कहीं धीमी हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं कुछ आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ या बोलिए तो शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ जिसके कारण आपके काम बहुत ही फास्ट होने वाला है। यानी आपको बिना माउस का सिर्फ कीबोर्ड से आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आप एक स्कूल चलाते हैं या आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या आप एक टाइपिस्ट हैं या आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं कि एमएस वर्ड में केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे टाइप कर सकते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो केमिकल इक्वेशन टाइप किया हुआ है जो कि एक फोटोसिंथेसिस का है। इससे आप लोग भली भांति पहचान पहले से रख रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरा केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह का इक्वेशन हम लोग एमएस वर्ड में कैसे टाइप करेंगे आज हम लोग इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यह आ गया हम लोग के सामने, एक नया वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लिए है। अब यहाँ पर जो है हम लोग ऑन माउस स्क्रीन ऑन कीबोर्ड स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले है 6CO2, तो चलिए CO2 इसको लिखेंगे। देन शिफ्ट के साथ आपको शिफ्ट बटन के साथ आपको लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है, ये वाले एरो की को। देखिए जैसे शिफ्ट बटन किए देखिए यहाँ पर आपको सिग्नल दे रहा है और हम लोग ये लेफ्ट एरो को प्रेस किए। अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। कंट्रोल देखिए हमने कंट्रोल दबाया तो यहाँ पर आ गया है। कंट्रोल के साथ हमको प्लस और इक्वल साउंड को दबाना है। तो चलिए प्लस को हम लोग दबाते हैं, प्लस इक्वल को देखिए ये नीचे आ गया है ना। और देन आपको प्रेस करना है एंड बटन और फिर एक बार आपको इस कर्सर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस और इक्वल साइन को दबाना है। देन स्पेस दबाना है। अब आपको यहाँ प्लस का साइन देना है, फिर आपको लिखना है 6H2O। लिखने के बाद आपको यहाँ शिफ्ट के साथ फिर आपको लेफ्ट एरो से इसको सिलेक्ट करना है जिसको आप नीचे करना चाहते हैं। तो 2 को नीचे करने के लिए हम लोग सिंपल सा प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस इक्वल। तो जैसे देखिए कंट्रोल के साथ प्लस और इक्वल बटन को हमने प्रेस किया तो क्या हुआ, ये नीचे में आ गया। देन आपको यहाँ पर लगाना है एरो की, आपको यहाँ पर एरो लगाना है राइट एरो। तो राइट एरो लगाने के लिए हम लोग सिंपल सा प्रेस करेंगे अल्ट के साथ एन और ई और आई। देखिए अल्ट एन ई आई ये आपको याद रखना है, अल्ट प्लस एन प्लस ई प्लस आई। ये बटन प्रेस करने से आपके पास ये बॉक्स खुल जाएंगे और आपको यहाँ पर टाइप करना है बैक स्लैश और आपको लिखना है राइट एरो और आपको यहाँ पर स्पेस को दबाना है। देखिए जैसे मैंने स्पेस दबा दिया यहाँ पर राइट एरो बन गया, लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको करना है राइट एरो के ऊपर में आपको लाइट लिखना है, मतलब यहाँ पर आपको लाइट को लिखना है और इसके नीचे में आपको क्लोरोफिल को लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपल सा फिर से आपको बैक स्पेस आपको लिखना है, बैक स्लैश को दबाना है और यहाँ पर आपको लिखना है अबोव, ऊपर के लिए एबोव होगा और ब्रैकेट ऑन करना है ओपन करना है और आपको यहाँ पर लिखना है लाइट और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके स्पेस दबा देना है। देखिए ये अपने आप ऊपर की तरफ हो गया। फिर आपको बैक स्लैश दबाना है और आपको यहाँ लिखना है बिलो
और फिर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको लिखना है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ब्रैकेट क्लोज करना है, स्पेस दबाना है। देखिए अपने आप यहां पर आ गया है। देन अब जो है हम लोग एंड बटन को प्रेस करेंगे और यहां पर स्पेस दबा देंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, तो इसके लिए हम लोग जो भी किए हैं वो यहां पर मैं नीचे में आपको लिख दूंगा। अब आपको यहां पर C6H12O6 ये लिखना है। देन आपको यहां पर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबाते हुए और माउस का थोड़ा सा हेल्प लेके आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। टोटल सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ प्लस इक्वल को प्रेस कर देना है। देखिए सारे आपका नीचे में हो गया है। फिर आपको प्लस दबाना है और यहां पर लिखना है 6O2 6O2। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया आपका। तो इसके लिए जो हमने किया वो पहला काम था आपको जो यहाँ पर करने का था, जो इसके राइट एरो के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अल्ट के साथ प्लस एन दबाना है, प्लस ई दबाना है, प्लस आई को आपको प्रेस करना है। देन आपको जो प्रेस करना है नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपको ये प्रेस करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा जो आपको प्रेस करना है वो है आपको यहां पर बैक स्लैश देना है, बैक स्लैश आपको यहां पर, बैक स्लैश के बाद आपको यहां पर टाइप करना है, टाइप करना है आपको राइट एरो, राइट एरो। देन आपको प्रेस करना है स्पेस और आपको यहां पर जो है ये आ जाएगा राइट एरो। नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि आपको बैक स्लैश देना है, बैक स्लैश देना है और देन आपको यहां पर टाइप करना है, टाइप क्या करना है, टाइप करना है आपको अबोव और ब्रैकेट ओपन करना है और मेंशन कर देना है यहां पर आपको लाइट, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। हमने यहां पर लाइट लिखे हैं तो आपको यहां पर लाइट लिख के स्पेस को दबा देना है। देन स्पेस मैं यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। फोर्थ जो है क्लोरोफिल के लिए, तो क्लोरोफिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस, फिर बैक स्पेस देंगे, बैक स्लैश लिखेंगे, टाइप करेंगे, यहां लिखेंगे बिलो, सॉरी बिलो, और यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर लिखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देन स्पेस दबा देना है। बस इतना काम आपको करना है तो ये काम आपका हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे कि दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहां पर, दूसरा हम लोगों के लिए है एक नया इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग करेंगे Ca2। चलिए Ca2 प्लस है, तो Ca2 प्लस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट को प्रेस करना है क्योंकि अभी हमको ऊपर में चाहिए, तो प्लस बटन को दबाएंगे। जैसे प्लस बटन को दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे और फिर आपको कर्सर को उसी तरह का चाहिए जैसे प्रीवियस में था, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन को दबाइएगा तो फिर जैसे था वैसे हो जाएगा। प्लस दबाना है, देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर जो लिया था, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर SO24 यहाँ पर देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक साथ में आ रहा है, तो आपका अगर आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से यहाँ पर काम करेंगे तो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है वो या तो सुपरस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करेगा या तो सबस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए आपको चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए हम लोग चले जाएंगे अल्ट के साथ NEI, देन आपको अल्ट बटन प्रेस करना है, JE और S बटन में आके यहाँ से देखिए आपको लेना होगा, देखिए ये वाले सिंबल को आपको लेना होगा, देन आपको यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल आ गया है। अब हम यहाँ पर आराम से लिखेंगे SO और आपको यहाँ पर लिखना है 4 और यहाँ पर आपको ऊपर में लिखना है 2-2-, देखिए बन गया। देन एंड बटन प्रेस करेंगे,
देखिए ये आप लोगों का तैयार हो गया। फिर हमको यहाँ पर राइट एरो चाहिए, तो राइट एरो के लिए अल्ट के साथ एन प्रेस करेंगे और आपको लिखना है ई आई, देन देखिए आ गया, यहाँ पर बैक स्लैश लगाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है राइट एरो, देन स्पेस बटन को प्रेस कर देंगे, देन एंड बटन प्रेस करेंगे, देखिए अपनी जगह ले लिया, फिर आपको टाइप करना है सी ए एस ओ फोर और आपको ब्रैकेट देके आपको लिखना है एस, देखिए ये तैयार हो गया। अब हमको इसको नीचे करना है फोर को और ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर जो एस को लिखे हैं, तो कंट्रोल के साथ हम प्लस बटन को दबाएंगे, देखिए नीचे आ गया है, एंड बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस इक्वल दबाएंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। तो इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप किया, चलिए लिख डालते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है एस ओ टू और फोर के लिए, यहाँ पर जो है इस इक्वेशन के लिए आपको करना था अल्ट के साथ प्लस एन प्लस ई प्लस आई प्लस आपको अल्ट प्लस जे ई को दबाना है प्लस एस को दबाना है, ठीक है, और आपको चूज करना है नेक्स्ट, चूज द फॉर्मेट। अब जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उस फॉर्मेट को चूज कर लेना, जैसे मुझे ये फॉर्मेट चाहिए था तो मैंने उस फॉर्मेट को चूज कर लिया, जैसे कि मुझे ये वाला फॉर्मेट था तो मैंने ये फॉर्मेट को चूज कर लिया, तो इस तरह आपको फॉर्मेट को चूज कर लेना है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर राइट एरो के लिए, तो राइट एरो के लिए मैंने पहले भी बता दिया, चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक स्पेस देना है, बैक स्लैश देना है, सॉरी बैक स्पेस नहीं बैक स्लैश लिखना है, प्लस आपको यहाँ पर टाइप करना है, आपको लिखना है यहाँ पर राइट एरो, यहाँ पर आपको राइट एरो, राइट एरो लिखना है या आपको टाइप करना है, बैकस्पेस बैकस्लैश के साथ आपको यहां पर राइट एरो लिखना है और देन आपको यहां पर स्पेस दबाना है। जैसे आप स्पेस दबाइएगा ये आपका आज, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हर रोज लाते रहता हूँ। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।